एपिसोड 73 7-3 अवध नरेश दशरथ के घर जब चार पुत्रों का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी का स्वरूप इस प्रकार निखर आया जिसका वर्णन करना कठिन है। कुल गुरु ने राजा के ज्येष्ठ पुत्र को आनंद और सुख का भंडार बताते हुए उनका नाम राम घोषित किया। संसार का भरण पोषण करने वाले गुणों से युक्त द्वितीय पुत्र का नाम भरत हुआ। वो जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न रखा और शुभ लक्षणों से युक्त श्री राम के अति प्रिय कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण कहलाए। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जानई को रथ समेत रवि था केऊ निसा कवन विधि हो यह रहस्य काहूं नहीं जाना दिन मनी चले करत गुन गाना देखि महोत्सव सुर मुनि नागा चले भवन बरन तनिज भागा औरऊ एक कहऊ निज चोरी सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी काक भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जानई नहीं को परमानंद प्रेम सुख फूले बीथिन फिर ही मगन मन फूले यह शुभ चरित जान पै सोई कृपा राम के जा पर हो यही अवसर जो जेहि विधि आवा दीन भूप जो जेहि मन भावा गजरथ तुरग हेम गोहीरा दीने नृप नाना विधि चीरा मन संतोषे सबनिके जहां तह देहि असीस सकल तनय चिर जीवहु तुलसीदास के ईस कच
छुक दिवस बीते एही भांति जातन जानी दिन अरुराती नाम करन कर अवसरु जानी भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी करी पूजा भूपति अस भाखा धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा इनके नाम अनेक अनुपा मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा जो आनंद सिंधु सुख रासी सीकर ते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार धरे नाम गुर हृदय विचारी वेद तत्व नृपतव सुतचारी मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा बाल के रस तेहि सुख माना बार हिते निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी भरत शत्रुहन दून उभाई प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई श्याम गौर सुंदर दो जोरी निरखहि छवि जननी त्रिन तोरी चारियु शील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा कबहु उछंग कबहु बर पलना मातु दुलार कही प्रिय ललना व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद